बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 विच इज आपके पास क्या है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रियल नंबर पे, आप लोगों ने रियल नंबर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट पे बात की। ठीक है, आज हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें उसमें, ताकि आपको आज के क्वेश्चन में कोई मसला ना हो। ठीक है, तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे। सबसे पहले आपके पास था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जनरली मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास होता है n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कौन-कौन से नंबर आते हैं, 1 एंड सो ऑन, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इट इज कॉल्ड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इट इज आल्सो कॉल्ड द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर बिकॉज इन आवर डेली लाइफ वी यूज दिस नंबर फॉर काउंटिंग। ठीक है, जब हम किसी से टाइम पूछते हैं या हम किसी चीजों को गिनते हैं तो हम ये कहते हैं कि 1 2 3 आंसर आते भी, हमने ये नहीं कहा है 0 1 2 3 या -1 -2 -3। ठीक है, तो हम लोग कहां से शुरू करते हैं, 1 से। तो इन नंबर को क्या कहा जाता है, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, या हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद हमारे पास होता है सेट ऑफ होल नंबर व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। अब सेट ऑफ होल नंबर में क्या होता है, जब हमारे पास नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को इंक्लूड किया जाता है, मतलब जीरो एंड देन नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। अब जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो मिलता है तो मेरे पास क्या बनता है, सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सारे आ जाते हैं, मतलब जब हम रियल नंबर, जब हम नंबर लाइन प्रेजेंट करते हैं, वुमन हम इंटीजर प्रेजेंट करते हैं, उसमें चलो रियल नंबर भी आ जाते हैं। इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, जीरो सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, ये हमारे पास क्या जाता है, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, जीरो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इनको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि आपके पास इवन नंबर भी होते हैं, ऑड नंबर भी होते हैं। इवन नंबर आपके पास क्या होते हैं, दोज नंबर व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। वो नंबर जो दो भी पूरे पूरे डिवाइड हो, मतलब रिमाइंडर कितना आए, जीरो, ऐसे नंबर को कहते हैं इवन नंबर। जैसे आपके पास जीरो है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। वन नंबर जो दो भी पूरे पूरे डिवाइड हो, आप 2 4 6 8 वगैरह 10, ये तो आपको पता है जो भी पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, आप इनको कहते हैं इवन नंबर। अब ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब जीरो के बारे में हम लोगों ने फिर एक नोट लिखा था कि जीरो क्यों इवन नंबर है, तो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि चूंकि 2 4 6 8 ये इवन नंबर है, जब ये नंबर किसी नंबर के हर में आते उस नंबर को क्या बना देते हैं, इवन बना देते हैं। तो यही प्रॉपर्टी जीरो जीरो के पास भी है कि जीरो जब किसी नंबर के हर में आते उसको क्या बना देता है, इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद आपके पास पढ़ा था हम लोगों ने ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल W कैपिटल O। अब ऑड नंबर आपके पास होते हैं 1 3 5 7, आपके पास 9 10 11 वगैरह वगैरह, वो नंबर जो दो पे पूरे पूरे डिवाइड ना हो, जब हम किसी नंबर को दो पे पूरा डिवाइड करते हैं और पूरा डिवाइड ना हो, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आए, ऐसे नंबर को कहते हैं ऑड नंबर। ये भी पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, मतलब क्या डेफिनेशन है कि दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था प्राइम नंबर, कि दोज नंबर व्हिच हैव ओनली 2 डिवाइजर 1 एंड इटसेल्फ, एक 1 होता है और दूसरा खुद होता है। सिंपल अगर साधारण अल्फाज में हम कहें तो क्या कहेंगे कि वो नंबर जो दो ही टेबल में आ सकता है, टेबल आप लोगों ने पढ़े हुए, जो दो ही टेबल में आ सकता है, एक अपने टेबल में दूसरा 1 के टेबल में, ऐसे नंबर को कहा जाता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 9 9 तो नहीं है, 10 11 है, 13 है, 17 है वगैरह वगैरह, ऐसे नंबरों को कहते हैं प्राइम नंबर। ये सारे नंबर आप चेक करेंगे, ये एक 1 के टेबल में आएंगे, एक अपने टेबल में आएंगे। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने बात की थी कि देयर इज ओनली 1 इवन नंबर विच इज प्राइम, दैट नंबर इज 2। ठीक है, कि हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों के पास इवन नंबर तो बहुत सारे है, लेकिन वह 2 वो नंबर, वो इवन नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। बाकी आपको प्राइम बहुत मिलेंगे, सारे ऑड मिलेंगे, लेकिन 2 सिर्फ वो प्राइम नंबर है जो इवन भी है। उसके बाद कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर ये इवन नंबरों के बारे, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो नंबर जिसके 2 से भी ज्यादा डिवाइजर हो, मतलब जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर हो, मतलब जब आप इनको चेक करते हैं ये 2 से ज्यादा टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर को
को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर. ये दोस्त नंबर विच हैव मोर देन टू डिवाइजर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 वगैरह. जब हम इन नंबरों को चेक करते हैं, इसके दो से ज्यादा डिवाइजर बनते हैं या ये दो से ज्यादा टेबल में पाए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? सेट ऑफ कंपोजिट नंबर. अब आप लोगों को इंटीजर का तो पता है कि इंटीजर आपके पास क्या होते हैं, ठीक है? जब इन इंटीजर्स को हम रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, हमारे पास क्या बनता है? रैशनल नंबर. ठीक है, नाम इसी जाहिर है, रैशनल. ठीक है, मैं जरा एन एल दूर डालता हूं, आर ए टी आई ओ एन एल. तो नाम इसी जाहिर है कि रैशनल का क्या मतलब है कि वो नंबर जब हम जिनको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, रोशन मीन्स एक्स बाय वाई, पी बाय क्यू वगैरह वगैरह. ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर. और वो जो पी और क्यू, एक्स और वाई, वो क्या होंगे? वो आपके पास इंटीजर होंगे. दे बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर. और नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आएगा, मतलब नीचे जो क्यू होगा वो कभी जीरो नहीं होगा. अब नीचे जीरो ना आने का क्या मतलब है कि जब हम किसी चीज को जीरो पे डिवाइड करते हैं वो क्या बन जाते हैं? अनडिफाइंड या इंफिनिटी बन जाते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि नीचे कभी जीरो नहीं आएगा. ठीक है, जैसे क्यों रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं? क्यों के साथ. ये कौन से नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं? वे आर पी एंड क्यू. पी एंड क्यू बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, जो वो नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में लिखते हैं, p and q belong to the set of integer and q cannot be zero, are called set of rational number. ठीक है, उसके बाद irrational के वो नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम क्या कहते हैं? set of irrational number. टॉपिक पे आते हैं, हमारा टॉपिक हमने पढ़ना था कि रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. तो रियल नंबर अभी भी कर लेते हैं, रियल नंबर का हमने कल बात कर ली थी, कॉम्प्लेक्स नंबर जब आएंगे उसमें बात करेंगे. ठीक है, तो अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर तो आप लोगों ने पढ़ा रैशनल नंबर. आप लोगों ने जितने सेट पढ़ रहे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, इन सबको कंबाइन करके हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर. फिर दूसरी तरफ से हमने पढ़ा कि इरेशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो जब ये रैशनल और इरेशनल दोनों मिलते हैं कंबाइन, तो आपके पास एक बड़ा सेट बनाते हैं व्हिच इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर. ठीक है, पहले डिफिनेशन क्या है रियल नंबर की? कि दोस नंबर व्हिच कैन बी प्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन. आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा हुआ है, ठीक है, 7 से पढ़ते आ रहे हैं. इन नंबरों पे, इस नंबर लाइन पे जिन नंबरों को हम प्रेजेंट करते हैं, इन नंबरों को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर. या जब हम रैशनल व्हिच इज क्यू यूनियन इरेशनल व्हिच इज क्यू प्राइम, जब ये दोनों कंबाइन हो तो हमारे पास क्या बनाते हैं? रियल, व्हिच इज आर कॉल्ड रियल नंबर. ठीक है, मतलब जब रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करते हैं, इन दोनों का यूनियन लेते हैं, इनका कंबाइन सेट बनाते हैं, तो मेरे पास क्या बनता है? रियल नंबर बनता है. ठीक है, सीधी सी बात है, अब तक जितने भी नंबर आप लोगों ने पढ़े हैं ये सारे आपके पास क्या है? रियल है. ठीक है, अब हम काम पे आते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं. आज हमने एक्सरसाइज करनी है, यही जो हमने नंबर सिस्टम पढ़े हैं या हमने जो नंबर पढ़े हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े हैं, इन पे आप लोगों ने हमने काम करना है, क्वेश्चन करना है. ठीक है, तो जिसको समझ आई होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट की, वो आपके पास आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो एक्सरसाइज आपके पास क्या है? एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर गिवन है और हम लोगों ने बताना है कि कौन कौन से नंबर किस सेट से बिलोंग करते हैं. ठीक है, इन क्वेश्चन 1 to 10 दस क्वेश्चन गिवन है, कंसिडर द नंबर. नंबर है 2.5, 3, 5/7, -1.96, -7/6, √3, -9.1, -9 अलग है और 1 अलग है, √7 -√14, π/4√2/3, 0.333. चलो क्वेश्चन शुरू करने से कुछ बातें आपको बता देता हूं. रैशनल नंबर में आपके पास कौन कौन से नंबर आ जाते हैं अदर देन हम जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है उसके बारे में.
आप लोगों ने पढ़ा था कुछ नंबर होते हैं विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड कुछ नंबर होते हैं विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो दो सिमिलर नंबर के मल्टीप्लाई करने से आए। फॉर एग्जांपल 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, दोनों सिमिलर नंबर है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जो आपके आएगा 1, दोनों सिमिलर नंबर है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो आपके आएगा 4, दोनों सिमिलर नंबर है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा 36, दोनों सिमिलर नंबर है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, दोनों सिमिलर नंबर है। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 625, दोनों क्या है सिमिलर। जब भी दो सिमिलर नंबर इक्वल नंबर मल्टीप्लाई होंगे जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम कहेंगे कि दे आर परफेक्ट स्क्वायर, दे आर परफेक्ट स्क्वायर। तो याद रखना जब भी परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आएगा, कौन सा स्क्वायर साइन आएगा? स्क्वायर रूट, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर। अब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे जैसे 2, 3, 5, 7, 8, 10, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनको बराबर उसके रूट आ जाएगा, ये क्या होंगे? ये इरेशनल होंगे, ये क्या होंगे? इरेशनल। दूसरी बात, डेसिमल नंबरों की बात करते हैं। आपके पास 1/2 कोई नंबर है, जब मैं इसको डिवाइड करता हूं उसका जवाब क्या आएगा? 0.5, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर क्या हो गया? खत्म हो गया। ऐसे नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? टर्मिनेट, मतलब खत्म हो जाना, टर्मिनेट भी डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर तक जाना उसके बाद पूरा पूरा डिवाइड, इस नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। याद रखना टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? बिलोंग टू क्यों? रैशनल नंबर होते हैं। इसी तरह 1/3 इसका जवाब आएगा 0.333। ये हमारे पास कभी खत्म नहीं होगा, कभी टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर एक नंबर बार बार रिपीट होगा। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, पेयर तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते, मतलब कुछ न, कुछ इनके अंदर तरतीब होती है, रेंज होती आती है, ठीक है, रीअकर होते हैं। जब ऐसे नंबरों को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म तो नहीं हो बट रिकरेंट डेसिमल। ये भी क्या होते हैं? दे बिलोंग टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर। तीसरी जो कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल लिखता है आपके पास √3/2 कुछ इलेट में उसका जवाब आता है 1.256190908107 वगैरह। अब ये नंबर न तो कभी टर्मिनेट कभी खत्म नहीं होगा, दूसरी बात इसके अंदर ना ही कोई चीज रिपीट होगी। ये नंबर कौन से होते हैं? इनको कहते क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरेंट डेसिमल। ये क्या होते हैं? ये इरेशनल होते हैं। दे बिलोंग टू द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये क्या होते हैं? इरेशनल, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो जब ये रैशनल और इरेशनल सारे कंबाइन होते फिर आपके पास क्या बनाते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। क्वेश्चन करते हैं, टाइम हमारे पास नहीं है। पहला क्वेश्चन है विच आर होल नंबर, विच आर होल नंबर। कहते हैं कि इन नंबरों में बताओ कौन कौन से नंबर होल नंबर है। तो होल नंबर आपके जहन में होने चाहिए। 2.5 होल नंबर नहीं है, 3 क्या है? 3 होल नंबर से बिलोंग करता है। 5/7 रैशनल, ये आपके पास रैशनल है या रियल नंबर है, ये भी आपके पास -1.6। तो आपको पता है कि होल नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट भी नहीं आता, रेशियो भी नहीं आती, नेगेटिव नंबर भी नहीं आती, ठीक है। अच्छा एक नंबर मैंने मिस किया हुआ है, -1.9 के बाद यहां पे मेरे पास है √36 के बाद है -7/6, ठीक है। तो -1.96 होल नंबर में नहीं आता, √36 के बारे में क्या है? इसके जवाब कितना आता है? 6। तो √36 आता है ना होल नंबर में, क्यों? जब इसको हम सॉल्व करते जवाब क्या आएगा? 6 बिलोंग टू द सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। -7/6 नहीं है, -9 भी होल नंबर नहीं है, क्योंकि ना होल नंबर में पॉजिटिव नंबर लेकिन 1 है होल नंबर, मतलब आपके पास होल नंबर है √7, √14 पाई हमारे पास, यही की मेरे पास क्या है? दे आर होल नंबर। ये तीनों हमारे पास क्या कहलाते हैं? होल नंबर। दूसरा सवाल है विच आर इंटीजर, विच आर इंटीजर। तो आपको पता है होल नंबर आपके पास इंटीजर होते हैं, ये तो सारे आएंगे क्योंकि होल नंबर आपके पास इंटीजर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। होल नंबर नहीं है 2.5, 3 क्या है? होल नंबर है नहीं, इंटीजर है। 5/7 रेशियो है, ऑल इंटीजर नहीं है, -1.96 इंटीजर नहीं है, √36 का जवाब क्या आएगा? 6, और 6 बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर। 7/6 नॉट इंटीजर, √3 इंटीजर नहीं है, लेकिन -9 आपके पास क्या है? इंटीजर है। 1 भी आपके पास की है, ये भी इंटीजर है।
इंटीजर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर या जीरो आ रहे, ठीक है। 7, 14 पाई आपके पास इंटीजर नहीं है, यही चार आपके पास क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तीसरा सवाल आपके पास, 9 क्लास कोई भी बात हुई लाजमी पूछना, ठीक है। मैं सिर्फ आप लिख रहा हूं क्योंकि ये चीज आप लोग को मैंने सेट समझा दिया, आपको आते होंगे, ठीक है। व्हाट आर इरेशनल नंबर विच आर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स कौन कौन से नंबर इरेशनल है, तो इरेशनल वाले का आपको आपको पता है कि कौन से होते हैं, वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना उनके ऊपर अगर रूट आ जाए, ठीक, ये भी इरेशनल है, या वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, 2.5 रेशनल है, 3 भी रेशनल है, 5/7 भी रेशनल है, -1.9 ये भी रेशनल है, √36 जो आप कितना आते 6 ये भी रेशनल है, -7/6 रेशनल है, तो √3 तो रेशनल नहीं है, ठीक है। ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रेशनल, √7 इरेशनल है, कैसे पता चला, सीधी सी बात है, नीचे आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ऊपर रूट आया हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इरेशनल, √14 इरेशनल, पाई आपके पास क्या है, इरेशनल, बाकी सारे आपके पास क्या है, इरेशनल है, इन चार नंबरों के अलावा बाकी सारे आपके पास क्या है, इरेशनल है, या जब ये सारे नंबर और ये नंबर सारे कंबाइन हो तो मेरे पास ये क्या है, ये सारे रियल नंबर है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इरेशनल। नेक्स्ट है आपके पास, विच आर रैशनल, ये चार निकालने थे, विच आर रैशनल, विच आर रैशनल, ठीक है, तो मैंने वैसे ही रफ कर दिया, तो वो जो चार नंबर थे कौन कौन से, √7, √14 पाए और √3 के अलावा बाकी सारे क्या है, रैशनल है, ठीक है। 2.5 रैशनल है, क्यों, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 3 आपके पास रैशनल है, 3/1 रैशनल है, 5/7 रेशो की फॉर्म में लिखा हुआ है, रैशनल है, -1.96 आपके पास क्या है, रैशनल है, √36 रैशनल है, जो आपके आता है 6, 7/6 आपके पास क्या है, रैशनल है, √3 इरेशनल है, -9 भी रैशनल है, 1 भी रैशनल है, √7, √14 पाई आपके पास इरेशनल, 4 होल नंबर 2/3 आपके पास रैशनल है, 0.333 नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, सो इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कोई भी कंफ्यूजन हुआ मुझसे लाजमी पूछना, ठीक है, मेरे ख्याल में ये अपने अगर न भी को रब पाने चाहिए। फिर है विच आर रियल नंबर, विच आर रियल नंबर, मैंने अभी आपसे कहा था कि हमने अब तक जो कोई सेट्स पढ़े तो उन सब का किंग आपके पास क्या है, रियल, मतलब वो सारे नंबर किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं, तो कौन बताएगा विच आर रियल नंबर, कौन कौन से रियल नंबर होंगे, ये जो नंबर के हैं इनमें रियल कौन सा है, और ये सारे रियल है, ऑल आर रियल, ऑल आर रियल, ये सारे आपके पास क्या है, ये जो सारे नंबर है नीचे लोग इसका जवाब है, क्योंकि ये सारे क्या है, रियल है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, विच आर रैशनल बट नॉट इंटीजियर, विच आर रैशनल, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू हो गए, विच आर रैशनल बट नॉट इंटीजियर, जो रैशनल तो हो लेकिन इंटीजियर ना हो, इंटीजियर को जेन में लेकर आओ ना, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, वो वाले यहां से निकाल दो, 2.5 रैशनल है लेकिन इंटीजियर नहीं है, 3 रैशनल भी है इंटीजर भी है नहीं आ सकता, 5/7 रैशनल है बट नॉट इंटीजर, -1.96 टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल है बट नॉट इंटीजर, √6 का जवाब कितना आएगा, 6 इंटीजर भी है और रैशनल भी है नहीं आ सकता, -7/6 रैशनल है बट नॉट इंटीजर, √3 ये तो रैशनल ही नहीं आ सकता, -9 नहीं, ये -9 क्या है, ये इंटीजर भी है और रैशनल भी है, 1 भी आपके पास क्या है, रैशनल भी है और इंटीजर भी है, √7 नहीं आ सकता, √14 इरेशनल, पाई इरेशनल, 4 होल नंबर 2/3 व्हिच इज इंटीजर एज व्हिच इज ओनली
रैशनल नॉट इंटीजर, ठीक है, इंटीजर में आपके पास फ्रैक्शन नहीं आती, ठीक है, 0.333 नॉट टर्मिनेटिंग रिकरेंट डेसिमल, सो इट इज रैशनल बट नॉट इंटीजर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है, व्हाट आर इंटीजर बट नॉट होल नंबर। जरा गौर करो इस क्वेश्चन में, मैं पूछता हूं, व्हाट आर इंटीजर बट नॉट होल नंबर। जो इंटीजर तो हो लेकिन होल नंबर ना हो, क्या आंसर बनेगा इसका? जो इंटीजर तो हो लेकिन होल नंबर ना हो, 2.5 इंटीजर भी नहीं है, 3 इंटीजर भी है और होल नंबर भी है, नहीं आ सकता, 5/7 इंटीजर नहीं है, माइनस इंटीजर नहीं है, अंडर 36 6 इंटीजर भी है और होल नंबर भी है, नहीं आ सकता, -7/6 इसका तालिक ही नहीं है, अंडर 3 -9 के बारे में क्या हाल है? -9 इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है और होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है, सो -9 इज द ओनली नंबर व्हिच इज होल, व्हिच इज इंटीजर बट नॉट होल नंबर। अब आगे 1 है, 1 होल नंबर भी इंटीजर भी है, अब ये और ये और ये तो इंटीजर नहीं है, तो हमारे पास कौन सा नंबर है? -9। -9 वो नंबर है जो इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच आर इंटीजर बट नॉट नेचुरल नंबर, बट नॉट नेचुरल नंबर। जो इंटीजर तो हो लेकिन नेचुरल नंबर ना हो, जरा गौर करो ना इस बात पे, कौन सा आंसर है? जो इंटीजर तो हो, इंटीजर नहीं है, 3 इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, 5/7 इंटीजर ही नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, अंडर 36 जो आपके आएगा 6 इंटीजर भी है और नेचुरल नंबर भी है, ये इंटीजर ही नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, -9 जो इंटीजर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं। आगे 1 इंटीजर भी है और नेचुरल नंबर भी है, अब ये और ये ना इंटीजर है और ना ही नेचुरल नंबर है, तो -9 वही वाहिद नंबर है जो इंटीजर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, कितने रह गए क्वेश्चन? आखिरी पार्ट है, विच आर रियल बट नॉट इंटीजर, विच आर रियल बट नॉट इंटीजर, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच आर रियल बट नॉट इंटीजर, जो इंटीजर ना हो लेकिन रियल हो। अब आपको पता है कि हर इंटीजर आपके पास क्या होता है, हर इंटीजर आपके पास विच आर रियल, हर इंटीजर आपके पास रियल होता है, ठीक है। क्वेश्चन 10 था, आंसर कहता है जो रियल तो हो लेकिन इंटीजर ना हो, 2.5 रियल है लेकिन इंटीजर नहीं है, 3 के बारे में क्या ख्याल है? ये रियल भी है और इंटीजर भी है, हर इंटीजर आपके पास क्या होते हैं? 5/7 रियल है बट इंटीजर नहीं है, -1.96 रियल है बट इंटीजर नहीं है, अंडररूट 36 जो आपके आएगा 6 रियल भी है और इंटीजर भी है, नहीं आ सकता, -7/6 रियल है इंटीजर नहीं है, अंडररूट 3 रियल है इंटीजर नहीं है, -9 के बारे में क्या ख्याल है? ये रियल भी है और इंटीजर भी है, 1 के बारे में क्या ख्याल है? ये इंटीजर भी है और रियल भी है, अंडररूट 7 which is real but not integer, -√14 which is real but not integer, pi real है integer नहीं है, for whole number 2/3 real है integer नहीं है, 0.333 which is real but not a integer। ये आपका काम था आज का, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा था ना, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने सेट्स वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट पे आप लोगों ने काम किया, तो दोबारा इसका जरा फिगर में बना देते हैं कि आपके पास क्या होता है। सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है n, ठीक है, और फिर आपके पास आ जाता है होल नंबर, या होल नंबर के अंदर सारे आपके पास क्या आ जाते हैं? नेचुरल नंबर। फिर आपके पास होता है क्या? इवन नंबर होते हैं। फिर आपके पास होते हैं ऑड नंबर। फिर आपके पास होते हैं
प्राइम नंबर, फिर आपके पास होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, जब ये सारे नेचुरल नंबर, आपके पास होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे मिलते हैं, तो ये आपके पास क्या बनाते हैं, इंटीजर बनाते हैं। जेड सेट ऑफ इंटीजर। जब ये इंटीजर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, रैशनल नंबर। क्या आ जाता है, रैशनल नंबर क्यू। ठीक है, फिर दूसरी तरफ वो नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हमारे पास क्या आ जाता है, इरेशनल। हमारे पास क्या बन जाता है, इरेशनल क्यू प्राइम। जब इरेशनल और इरेशनल को हम कंबाइन करते हैं मेरे पास क्या बनता है, रियल नंबर। क्या बनता है, रियल नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास है नेचुरल नंबर, नेचुरल। ये आपके पास है होल नंबर, होल नंबर के बाद आपके पास है इवन नंबर, या आपके पास है ऑड नंबर, या आपके पास है प्राइम नंबर। ठीक है, और ये आपके पास है कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, हमारे पास कहलाते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को जब हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, रैशनल। ठीक है, अब जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल। अब जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इरेशनल। ठीक है, जब अब आपके पास ये सारे क्या कहलाते हैं, रैशनल, दूसरी तरफ से इरेशनल जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो आप रैशनल और इरेशनल कलेक्टिवली जब इनको कंबाइन कर दो आपके पास क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। तो आपके पास किंग ऑफ सेट आपके पास क्या है, रियल नंबर। तो आपको दोबारा डिफिनेशन बता देता हूं, नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर कहते हैं, होल नंबर जब नेचुरल नंबर में जीरो डालते हैं आपके पास क्या बनता है, होल नंबर बनता है। इवन नंबर वो नंबर जो दो पे पूरी पूरी डिवाइड हो, मतलब दोस नंबर व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड इवन नंबर, एंड दोस नंबर व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, जिसका कोई ना कोई रिमाइंडर हो। प्राइम नंबर दोस नंबर व्हिच इज ओनली टू डिवाइजर, सादा अल्फाज में अगर हम कहें वो नंबर जो दो ही टेबल में आए, अपने और वन के टेबल में। कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके दो से ज्यादा डिवाइजर हो, जो दो से ज्यादा टेबल में आए। ठीक है, दोस नंबर व्हिच इज मोर देन टू डिवाइजर। ठीक है, इंटीजर ये सारे नंबर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, इंटीजर, जिसमें जीरो सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रैशनल नंबर दोस नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, पी बाय पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड दोस नंबर व्हिच कैन आर बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, हमारे पास क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर। एंड जब रैशनल और इरेशनल को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, कि दोस नंबर व्हिच कैन बी प्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर, या दोस नंबर द यूनियन ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10 क्वेश्चन बुक से देख के लिखो, और फिर आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं बुक से। ठीक है, आखिर में जाके आंसर ना लिख देना, सारे नंबर लिखो, नंबरों के बाद एक एक क्वेश्चन लिखते जाओ, और प्रैक्टिस का भी इसको नोट, प्रैक्टिस का भी इसको लिखना, जुबानी लिखना, प्रैक्टिस का भी इसको जरूर लिखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। कोई मसला हुआ लाजमी कमेंट करो।